अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया था। तो आज हम देखने वाले हैं साइक्लोट्रॉन के डेरिवेशन को। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि साइक्लोट्रॉन कुछ ऐसा होता है देखने में, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह होते हैं, जो डॉट मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी स्क्रीन से सीधा ऊपर आ रहा है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं जो कि हम ऑसोलेट कर रहे होते हैं एक ऑसोलेटर से, पोटेंशियल सोर्स से, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो चार्ज यहाँ पे, जो मैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को यहाँ पे डालूँ, अगर मैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को यहाँ पे डाल दूँ, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज़ एफ ड्यू टू बी इज इक्वल टू क्यू, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड, इंटू वी वी ऑफ सी, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के अंदर घूम रहा है तो मैं इसको वेलोसिटी ऑफ साइक्लोट्रॉन बोल रहा हूँ, इंटू बी इंटू साइन 90। साइन 90 क्यों? आपका वेलोसिटी देखो, अगर चार्ज कभी इस तरफ जा रहा है, अभी तुम अगर देखो चार्ज अगर इस तरफ जा रहा है, इस तरफ चार्ज जा रहा है आपका, ये चार्ज का डायरेक्शन वेलोसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में, एंगल क्या हमेशा 90 रहेंगे, हमेशा कहीं भी चले जाए चार्ज, कहीं भी चले जाए एंगल कितना 90 में ही रहेगा, डन है। तो ये हो गया 90, इसलिए तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना आया, क्यू वी बी साइन क्यू वी सी बी। ऑल्सो आपका जो ये गोल गोल भी घूम रहा है तो क्या सेंटीमीटर फोर्स भी लग रहा होगा, वो कितना होगा एम वी स्क्वायर आर। यहाँ पे साइक्लोट्रॉन के अंदर घूम रहा है तो मैंने लिखा वी सी स्क्वायर। तो फाइनली हमें पता है ये दोनों वेलोसिटीज, दोनों फोर्सेस इक्वल है, इसीलिए गोल गोल चक्कर काटने वाले। तो हमने दोनों को इक्वेट किया, वहाँ से हमने वेलोसिटी निकाला, सेंटीमीटर वेलोसिटी वी सी इज इक्वल टू इतना। अब वी सी इज इक्वल टू इतना कैसे निकाला, देखो बेसिकली वी सी को मैंने यहीं पे रखा, आर को मैंने वहाँ भेज दिया, वी सी वी सी वी सी और यहाँ पे वी सी स्क्वायर एक तो कट गए थे, आर को मैंने वहाँ भेजा तो फाइनली एम नीचे आया, इज इक्वल टू यहाँ बचा वी सी। उसके बाद हमें ये भी पता है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, अभी साइक्लोट्रॉन के अंदर घूम रहा है तो साइक्लोट्रॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ साइक्लोट्रॉन इंटू आर लिखा। फिर यहाँ पे वी सी का इस वैल्यू को हमने पुटअप किया, पुटअप करने के बाद यहाँ ओमेगा सी आर तो बचा था, आर आर कट गया, तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू क्यू वी ओमेगा सी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम आया था, डन है। उसके बाद ओमेगा हमें पता है क्या होता है, टू पाई बाई टी होता है। अब ये टाइम पीरियड क्या है, साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड है, तो मैंने लिखा टू पाई बाई टी सी, ठीक है। जब इन दोनों को इक्वेट किया तो हमने यहाँ से टी सी निकाल लिया, टी सी निकालने के लिए टी सी को यहाँ भेजा, एम को यहाँ भेजा, क्यू बी को नीचे भेज दिया, डन। और हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया इतना फ्रीक्वेंसी आएगा। सपोज निकालने के बाद साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी आपका 700 हर्ट्ज आया, इसको निकाला तो 700 हर्ट्ज हमारे पास आ रहा है। मतलब अगर हमें क्यू अमाउंट ऑफ वन कूलम ऑफ चार्ज को अगर मूव कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए वन कूलम ऑफ चार्ज को अगर मूव कर रहा है तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल रहा है 700 हर्ट्ज, डन है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये 700 हर्ट्ज़ पे हमें इसको भी सेट करना होगा, ये जो ऑसिलेटर है इसके फ्रीक्वेंसी को भी 700 हर्ट्ज़ में सेट करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग इसके फ्रीक्वेंसी को 700 हर्ट्ज़ में सेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका रेजोनेंस का प्रॉब्लम होगा। इसका मतलब क्या है, जब चार्जेस यहाँ से यहाँ पास हो रहे हैं तब पता चल रहा है यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड बना है, यहाँ नेगेटिव फील्ड बना पड़ा है, डन। तो उस केस में क्या होगा, चार्जेस को अपोज करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा तो उसको अपोज करेगा, ये बातें क्लियर है। तो उसके चक्कर में हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट करना होता है, बातें क्लियर है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मतलब जो फ्रीक्वेंसी में चार्ज घूमने वाले, जो फ्रीक्वेंसी में चार्ज घूमने वाला होगा वही फ्रीक्वेंसी में हमें सेट करना है इस ऑसोलेटर को। और हमने पहले ही देखा है जो फ्रीक्वेंसी होता है या फिर जो टाइम पीरियड होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे पास ईजी है, हम पहले से इसको सेट कर लेते हैं। अगर हम एक एन ए प्लस चार्ज को रख रहा है तो एन ए प्लस चार्ज का चार्ज कितना हो गया, प्लस क्यू हो गया, मान लो वन कूलम है, दैट इज़ वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इस पर, ये हमें पता है। और तुम्हारे पास इसका मास वो हमें पता होता है, कितना मास है, 11 एटॉमिक मास यूनिट, डन। तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड हम खुद ही अप्लाई करने वाले हैं तो हमें पता होगा, फाइनली डालो फ्रीक्वेंसी इतना आया, उस फ्रीक्वेंसी पे इसको सेट कर दो, तो फाइनली ये घुमा घुमा के इसको एक्सेलरेट करके बाहर फेंक देगा, ये बातें क्लियर है, डन। तो हमें पता चल गया कि इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। देन देयरफॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, बेसिकली इस पर्टिकुलर कंडीशन पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेंशियल होता है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन होता है वो इक्वल होता है, और वो कितना होना चाहिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर। इसको निकालेंगे तो कुछ एक हर्ट्ज में आएगा, ठीक है, उस हर्ट्ज के बराबर सेट करना होता है, तभी ये साइक्लोट्रॉन प्रॉपरली वर्क करेगा। अब हम निकालना चाहते हैं कि फाइनली इस पर काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब ये चार्ज यहाँ से बाहर निकलेगा, डन। नाउ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल या फिर आपका आयंस व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम साइक्लोट्रॉन कितना होगा फाइनल वेलोसिटी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो हाफ ऑफ मास, वेलोसिटी हमने कितना निकाला था, देखो वेलोसिटी ऑफ साइक्लोट्रॉन
क्योंकि साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलेगा तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लोट्रॉन कितना निकाला था हमने यहाँ पे, क्यू बी आर अपॉन एम, डन। तो इसको स्क्वायर करते चलेंगे तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो यहाँ से एक एम, यहाँ से एक एम फट गया। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, तो इतना होगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? अब हम डिस्कस करना चाहते हैं कुछ लिमिटेशंस, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस डिस्कस करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन कि हम साइक्लोट्रॉन से क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते। पहला बात, ये चार्ज पार्टिकल्स को ही एक्सीलरेट करता है। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज नहीं है? सिंपल सा बात है, दैट इज़ प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? ज़ीरो होता है ना, प्रोटॉन पे चार्ज ज़ीरो, प्रोटॉन कांट बी एक्सीलरेटेड। आया बात समझ में? प्रोटॉन पे चार्ज ही ज़ीरो होता है तो इसको हम एक्सीलरेट कर ही नहीं सकते साइक्लोट्रॉन से। ये तो हो गया लिमिटेशंस। और एक लिमिटेशन आपके पास क्या हो सकता है? अप टू ए सर्टेन वेलोसिटी ओनली ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सीलरेट, ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सीलरेट। इसका मतलब होता है ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, ये जब इस बहुत जोर जोर से घूम रहा होगा, ठीक है, बहुत ही फास्ट मूविंग, फास्ट वेलोसिटी से घूम रहा है, तो बहुत ही जोर से घूमेगा तो यहाँ पे जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसको सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम वहाँ पे सेट नहीं कर पाएंगे कि इसका ये जो पार्टिकल का जो घूमने का स्पीड है इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम उस हिसाब से जो आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ जो पोटेंशियल सोर्स है उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में एक सर्टेन लिमिट तक ही होगा, उसके बाद और उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करा नहीं जा सकता है। क्या ये बातें क्लियर है हमें? और एक जो फाइनली जो पॉइंट है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे, वो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कांट बी एक्सीलरेटेड। एनी हो भाई, इलेक्ट्रॉन के पास मास ना के बराबर है, उसके पास मास अगर ना के बराबर है तो वो जब घूमेगा तो बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और उसका फ्रीक्वेंसी घूमने का बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो हमने यहाँ पे ही देख लिया कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेट नहीं हो पाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब बहुत जल्दी गोल गोल घूमने वाला होगा उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सेट करना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं कर पाते साइक्लोट्रॉन को यूज़ करके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो डेरिवेशन है ना, ये हमने पहले भी किया है, जस्ट मैंने यहाँ पे ये देखो, ये मैंने पहले भी किया था चार्ज पार्टिकल्स में जब मूव करवाया था, बस मैंने यहाँ पे एक एड ऑन किया है, आपका वी सी लिख के रखा है। क्यों? यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, साइक्लोट्रॉन खुद से इस वेलोसिटी को जनरेट कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीलरेट करेगा तो फिर से वेलोसिटी बनेगा, तो एवरेज वेलोसिटी के आइडिया को बताता है ये चीज़, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा आपका बायोट सावर्ट लॉ के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने फोर्स देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास दिया हुआ था, अब हम चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है, हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए पहला लॉ बायोट सावर्ट जी ने दिया था, तो वो हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।